एमएलए गणेश नाइक को जान से मारने की धमकी, भाजपा नेताओं ने पुलिस आयुक्त से की शिकायत, जांच और कार्रवाई की मांग। पूर्व मंत्री और मैरौली के भाजपा विधायक गणेश नाइक को जान से मारने की कथित धमकी ने नवी मुंबई में भूचाल ला दिया है। मामला अरौली से सटे दीघा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान का है। बताया जा रहा है कि महाघाड़ी के मंत्री जितेंद्र आवाज की उपस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने तलवार लहराते हुए नाइक को यह धमकी दी है। सूत्रों की माने तो राका पदाधिकारी को तलवार भेंट दी गई थी, जिसे लहराते हुए उसने यह कह दिया कि कहीं यह तलवार गणेश नाइक को खत्म करने के लिए तो नहीं। दरअसल यही वो बयान है जिसे लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है। पुलिस आयुक्त विपिन सिंह को लिखित शिकायत देने के बाद महापौर जयवंत सुतार एवं भाजपा नेताओं ने कहा कि सार्वजनिक मंच से जिस तरह से यह खुली धमकी दी गई है, उससे महाअघाड़ी के नेताओं के दिल में नाइक परिवार के लिए जो नफरत और वैर है, अब वह खुलकर जुबान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे नेता गणेश नाइक एवं उनके परिवार के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस संदर्भ में आज भाजपा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री समेत पुलिस उच्चाधिकारियों को शिकायत देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। 19 तारखेला नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कार्यालयाचं उद्घाटन होत असताना माननीय मंत्री महोदय यांना काही कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी तलवार भेट दिली। तलवार भेट दिल्यानंतर ती तलवार बाहेर काढली गेली आणि ती तलवार बाहेर काढून उंच पकडली असताना नवी मुंबई राष्ट्रवादीचे संपर्क नेते म्हणून प्रशांत पाटील आहे, त्याने या ठिकाणी वक्तव्य केलं की ही तलवार गणेश नाईकांसाठीच आहे। ज्यावेळी जे हृदयात असतं ते ओठामध्ये आलेलं आहे आणि कुठेतरी दगाफटका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। त्याने निश्चित स्वरूपामध्ये त्याच्यामध्ये काहीतरी घटना घडण्याची शक्यता आहे हे मनात असतं ते तोंडाने बोलून दाखवलेलं आहे। म्हणून आज आमचे सर्व सहकारी निशांत भगत, मनोहर पटेल, अमृत मेटकर, विनोद म्हात्रे, इलाजर नाही, गणेश भगत यांच्यासह एक शिष्टमंडळ माननीय पोलीस आयुक्त महोदयांना आम्ही भेटलो, त्यांना ह्या गोष्टीची कल्पना दिली। निवेदनामध्ये आम्ही म्हटलेलंच आहे, वाटल्यास अन्य मीडियाची फुटेज तुम्ही त्या ठिकाणी चेक करायची आणि त्या व्यक्तीवर एक गुन्हा दाखल करावा। त्याच पद्धतीनं आदरणीय नाईक साहेबांच्या सुरक्षेमध्ये वाढ करावी अशा पद्धतीची मागणी आम्ही त्या ठिकाणी केलेली आहे। जे आयुक्त महोदय को जब आम्ही आवेदन दिया है, आवेदन से निश्चित तौर पे हमें एक भरोसा है कि आयुक्त महोदय इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस मामले के बाद नवी मुंबई की राजनीति में नया बवाल मच गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में एनसीपी और महाअघाड़ी के नेताओं की ओर से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।